हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो सिल्वर लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है 60,937 पे, लगभग 560 पॉइंट लॉस के साथ। यहाँ हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ इस मंथ सिल्वर थोड़ा सा रिट्रेस होते हुए और गेन करते हुए दिखेगा। फिर भी हम मंथ के लिए जो है यह सिल्वर फिर भी वीक दिखाई दे रहा है। पर मंथ हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 200 पॉइंट लॉस के साथ। लास्ट टू मंथ में हमने अच्छा खासा या जो है तो सेल ऑफ देखा है और निचले लेवल जो है, सो एज पर मंथली चार्ट हमें निचले टारगेट जो है तो 56,000 और 48,000 या 49,000 के भी टारगेट दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म करेक्शन ये कंटिन्यू हो सकता है। वीकली चार्ट पे देखोगे आप तो वीकली चार्ट पे हम देखते हैं तो हमने एक बाउंस बैक दिया था, वो बाउंस बैक फिर से सेल ऑफ हो रहा है। तो यहाँ जो है तो जब तक और यहाँ क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न से जिसका टारगेट है 55,000, इसके नीचे 48,000 के भी टारगेट, 48-49,000 के भी टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है 55,000 के नीचे। तो ऊपर की तरफ 64,000 के अराउंड बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके अराउंड मिलता है सिल्वर तो आपको सेल करना चाहिए। और हो सकता है कभी न्यूज़ फ्लो के वजह से वहाँ तक बाउंस बैक भी आ सकता है सिल्वर में। तो अगर 64,000 या उसके अराउंड लेवल मिलते हैं तो आपको सिल्वर में शॉर्ट करना चाहिए। नीचे जो टारगेट बनेंगे आपके 59,000, जो ऑलरेडी दो बार लगभग अचीव कर चुका है, उसके बाद में 55,000 का टारगेट रहेगा। उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो 49,000 का आपको सिल्वर में एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म टारगेट मिल सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने एक बार बाउंस बैक किया था, उसको भी उसने रिजेक्ट करके सेल ऑफ दिखाया। अभी फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जो है तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है सिल्वर में। तो यहाँ जो है तो मेरी सलाह रहेगी कि सिल्वर में सेल ऑन राइज व्यू रखना है। जब तक सिल्वर 62,800 के नीचे तब तक मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 62,800 के ऊपर होना चाहिए। नीचे जो लेवल है वो पहला टारगेट रहेगा 59, उसके बाद में 57,500 और लास्ट में जो है तो 55,000 का सिल्वर में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है। जब तक सिल्वर 62,800 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 59,000, उसके बाद में 57,500 और लास्ट में जो है तो 55,000 का टारगेट आप देख सकते हो। यहाँ सिल्वर बार बार कोशिश कर रहा है बाउंस बैक करने की, मुझे लगता है कि वो हर बार फेल हो रहा है। तो यहाँ आपको बाद में एक बार बुल्स थक गए तो उसके बाद में जो बियर्स है वो हावी हो जाएंगे और आपको सेल ऑफ जो है तो शार्प और मोमेंटम से भरा हुआ दिखेगा। और आपको जो टारगेट है वो फिर से दोहरा देता हूँ, 59,000, उसके बाद में 57,500 और लास्ट में जो है तो 55,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट पे भी सेल ऑन राइज व्यू, वीकली पे करेक्टिव पैटर्न, टारगेट्स 55,000 और 49,000 के, मंथली पे भी वही टारगेट और करेक्टिव पैटर्न से यहाँ। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो ऑन माय प्रीमियम सर्विस तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।